तो दोस्तों ये जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो स्पीशीज जो है इस स्पीशीज के सारे कंसेप्ट का जो है यूज किया गया है, और जो क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट और जो आगे वाला जो एनिमल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को 25 नंबर क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया गया है। देखिए वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन कि अबव क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन है कि बताइए कि सेम ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तीन एग्जांपल आपको दें। जहाँ पे जो मैं क्वेश्चन के जो एग्जाम जो ऑप्शन के रूप में जो एग्जांपल लिया हूँ जिसे लायन, लिपॉर्ड, टाइगर और फोर्थ में ऑल, चूँकि आपको मुझे कंसेप्ट दिखाना है न कि क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए जो आंसर है वो ऑल। सवाल उठता है कि आपने बायोलॉजिकल नेम क्यों नहीं लिया, चूँकि बायोलॉजिकल नेम में डायरेक्ट सीधे सीधे दिखता है कि इसका जो जीन्स है वो क्या है, पेंथ्रा है, इसलिए वो आपको इतना साधारण बना करके ऑप्शन नहीं देगा, वो लायन देगा, लिपॉर्ड देगा, टाइगर। तो इसलिए हम आपसे से ये उम्मीद करते हैं कि इसका बायोलॉजिकल नेम भी आप याद रखें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द आर जो सोलिनिकिया फैमिली, यानी जो सोलिनिकिया फैमिली है उसमें से कौन है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सोलिनम, सेकंड ऑप्शन है पेटिनिया और थर्ड ऑप्शन जो है धतुरा और फोर्थ ऑल। तो आंसर जो है ऑल जाएगा। फिर कहूँगा कि सारे का सारे का बायोलॉजिकल नेम भी याद रखिए, ज़रूरी है, इसका नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। और अगला इस पेज का जो अंतिम क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट वन, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन कैट्स इन द फैमिली फिलीडिया, सेकेंड ऑप्शन डॉग्स इन द फैमिली कैनिडिया और थर्ड में बोथ और फोर्थ में नन। तो आंसर जो है बोथ जाएगा, कि बात तो सही है कि स्टेटमेंट जो है दोनों के लिए सही है। चलिए अब अगला पेज पे हम दिखाता हूँ कि इस पे कितना क्वेश्चन बनता है। इस पेज पे चलिए तो इस पे जो देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट वन, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन कि प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवेटिनिविलिया सोलिनिकिया एंड इंक्लूड्स इन द ऑर्डर पॉलीमिनियस, सेकेंड ऑप्शन है कि द एनिमल ऑर्डर कर्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फ्लीडिया एंड किनिडिया। तो दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों ही आंसर सही होगा। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास मेमेलिया, यानी मेमेलिया के क्लास में कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आज के दौर में अब एनसीईआरटी का नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नया क्वेश्चन के रूप में जो ऑप्शन है जो एनसीईआरटी का ही है, तो वो ये है कि ऑर्डर प्रीमेटा, ऑर्डर कर्निवोरा, बोथ, नन। तो आंसर जो जाएगा बोथ जाएगा, कि दोनों मेमेलिया, और चूंकि डायरेक्ट वो एनसीईआरटी का लिखा हुआ है इसलिए 80% क्वेश्चन में ये भी टपक सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि डिफरेंट क्लास लाइक एनिमल एंड जो प्लांट्स बट सेम फाइलम, जो सेकेंड ऑप्शन है कि नोटोकॉर्ड इंक्लूडेड इन कॉर्डाटा, वो भी बात सही है, इसलिए यहाँ पे भी जो जाएगा वो सी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन जो 31 क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे ये जो डायग्राम देखने को जो मिल रहा है
वो अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स करके ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जा सकता है और कई बार आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल है कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हेरिकल अरेंजमेंट, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज शोइंग हेरिकल जो अरेंजमेंट है इन असेंडिंग ऑर्डर का, तो दिस इज ऑर्डर तो लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसको हम याद कैसे रखें। ऐसे तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मैं इसमें ही बता दे रहा हूँ कि इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सारा जमाना फैल और क्लास के पीछे डिवीजन है, तो डिवीजन के लिए हम दरवाज़ा का भी यूज कर लेंगे कि दरवाज़ा पे कर लेंगे, कमाल हो गया। यानी कि सारा जमाना फैल और क्लास के पीछे कमाल हो गया। तो चलिए ये भी जो है 10 नंबर पेज कंप्लीट होता है। अगला जो 11th नंबर पेज है उस पर भी हमें एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट के रूप में मिला जो बन रहा है इस पेज से, वो क्वेश्चन क्या है जो 80% में आ सकता है। मैं 20% क्वेश्चन का कतई यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वो ऑलरेडी, क्योंकि वो कई सारे जो है पैराग्राफ को मिला करके एक क्वेश्चन को जो रैंक को डिसाइड करता है, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं एक वीडियो अलग से बना करके दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि लोअर द कैटेगोरी, लोअर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है जो आपके एनसीईआरटी का सीधे सीधे लाइन है इसलिए मैंने नहीं लिखा, वो कहता है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी, ये जो है जो डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, और जो सी है बोथ, तो आंसर जो जाएगा बोथ जाएगा। इसके बाद जो है ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे मैं जो है जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट तो आएगा, तो उसके लिए मैंने ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए इसको मैं नहीं इन्वॉल्व किया है। और जो इस पे एक पूरे डायग्राम पे एक बेहतर क्वेश्चन बनेगा उसको मैं 20% वाले वीडियो में ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा। तो थैंक यू दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड भी इस चीज़ों को समझ सकें कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चन कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इसे जानने का मौका मिलेगा आपके थ्रू। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको पूरे 11th और 12th के एनसीईआरटी का, इसके अलावा और भी फिजिक्स का जो फॉर्मूला है उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, सारी चीज़ मिलेगा। इसलिए आप इससे वंचित न रह जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।